ओम नमः भागवते रुद्राय नमः। दोस्तों, आपका हमारे चरण में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो एपिसोड में आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी कर्णसी के लोगों के जातकों के लिए आज का आने वाला समय कैसा होगा, जो कि आने वाला 4 दिनों के दरमियान जीवन में कुछ व्याकरण परिस्थितियों का निर्माण करने के कई सौगात मौके मिलने वाले हैं। कुछ आयात निर्दात कार्य का करने के आपको कई बेहतरण मौकों का प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। यह आपको बताएंगे संपूर्ण तरह की जानकारी आज के इस वीडियो एपिसोड में। आज कन्या राशि के लोगों के जातकों के लिए आने वाला समय, आने वाला 4 दिन, आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपको संपूर्ण तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो लगातार हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समझ सकें और आप आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सकें। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज का दिन आप लोगों की जातकों के लिए बेहतरीन प्रदर्शनी को लेकर विकसित कर रहा है। तमाम तरह की परेशानियों का निदान हो सकता है। आपके चंद्र राशि से राहु के बारे में भाव में स्थित होने के कारण इस पूरे ही समय सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानियां दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं। मुमकिन है कि इस दौरान आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक न रहे, जिनसे परिवार के सदस्यों को, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह समय धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद होने वाले हैं। यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की सलाह लेने से निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। संभावना है कि इस दौरान घर के किसी भी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद कर सकती है। आपका मन प्रसन्न हो सकता है। आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते हुए व उनके लिए उपहार लेते दिखाई दे सकते हैं। यदि आप किसी भी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से अपने प्रयास कर रहे थे, तो इस दौरान अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद आपकी उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अन्यथा आप उनके प्रश्न आपके मुंह बंद करते हुए उनके सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस दौरान धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही इस दौरान अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। रोज भगवान नरसिम्हा की पूजा करना जीवन में आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। इस दौरान किसी भी विपदलिंगी व्यक्ति के प्रति उनके प्रियतम की वृत्ति नज़दीकियों से आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो सकती हैं, कर सकते हैं। ऐसे में खुद को मानसिक कष्ट ना देते हुए अपने प्रेमी से इस बात को स्पष्ट करना है। आपको आपकी अपने ससुराल पक्ष के किसी भी सदस्य के बहस संभव हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हुए आपको परेशानियां दे सकती हैं। जीवन में काफ़ी चीज़ों को लेकर मन में कुछ शांति की भाव देखने को मिलेंगे। अवांछित यात्राएं थकाऊ साबित होंगे, बेचैनी का कारण बन सकती हैं। और आज आप लोगों के जातकों के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर मांसपेशियों को आराम देने के लिए शरीर के तेल से मालिश करना है। धन लाभ होने की संभावना बन रही है। ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। पारिवारिक तनावों को अपने अग्रताओं को भंग न करने दें। बुरा दौर ज़्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद